Hello students, I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain the multiple choice questions on the face of it. प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में, अपने चैनल पे. आज आप सबके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ और टाइटल ऑफ द लेसन इज ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसन हिल. लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ओल्ड मैन्स नेम इन द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट. इस लेसन में जो ओल्ड मैन है उनका नाम आपको बताना है. What is the name of the old man in this lesson? Four options are given to you. चार ऑप्शन आपके पास हैं, Mr. Benz, Mr. Lamb या Mr. Jamb या Mr. Dand. And you must know he is Mr. Lamb. Mr. Lamb ही correct option है. Question number two. What is the small boy's name in the lesson on the face of it? इसमें एक छोटा लड़का भी है जिसका एक साइड से चेहरा जला हुआ है, उसका नाम आपको बताना है. और ऑप्शंस आर गिवन, डेरी, हैरी, पेरी या गैरी. एंड यू मस्ट नो हिज नेम इज डेरी, उसका नाम डेरी है. क्वेश्चन थ्री इज, व्हाट काइंड ऑफ ए लेग आउट ऑफ द टू डिड मिस्टर लैम हैव. मिस्टर लैम की एक लेग के बारे में बताना है. जैसे दो लेग सभी की होती है, तो उसमें से एक लेग, एक टांग उसकी किस तरह की थी. Whether it was a silver leg, a tin leg, a plastic leg or wooden leg. थी, आपको चार ऑप्शन में से एक बताना है. It was a tin leg. Option two is correct answer. Fourth question. What had happened to Mr. Lamb's real leg? Mr. Lamb की जो वास्तविक leg थी, असली टांग थी, out of two, उसको हुआ क्या था? It was blown off. ब्लोन ऑफ हो गई थी किसी ब्लास्ट में, बॉम ब्लास्ट में. और इट वाज कट इन ए मशीन बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली वो किसी मशीन में आके कट गई थी. या इट वाज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में ब्रोकन, टूट गई थी. नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है. एंड यू मस्ट नो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ब्लोन ऑफ इन ए ब्लास्ट, ब्लास्ट में ब्लोन ऑफ हो गई थी. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिए. अक्सर ऐसा होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं और वो चुपचाप निकल जाते हैं. थोड़ी गुरु दक्षिणा तो उन्हें देनी चाहिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना चाहिए. व्हाट डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम. मिस्टर लैम को कुछ बच्चे किसी नाम से पुकारते हैं, फनी नाम से, तो वो नाम क्या है? चार नाम आपको दिए गए हैं, सेमी लैम्ब, लेमी लैम्ब और हैमी लैम्ब या टैमी लैम्ब. तो इट वाज सेकंड ऑप्शन, ये लेमी लैम्ब इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सिक्स लेके चलते हैं. ऑन विच साइड ऑफ डैरीज फेस डज हिज मदर किस हिम. बच्चे का नाम आप जानते हैं, डैरी है, और डैरी की किस साइड पे, डैरी के चेहरे की किस साइड पे उसकी माँ उसे किस करती है? ऑन द बर्न साइड, जली हुई साइड पे, ऑन द अनबर्न साइड, जो नहीं जली उस साइड पे, या फिर दोनों पे, कभी बर्न पे कभी अनबर्न पे. तो आपको, या फिर नन ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि इनमें से कोई भी नहीं है, वो उसे किस करती ही नहीं है. करेक्ट आंसर इसका है सेकंड ऑप्शन, ऑन द अनबर्न साइड, जो साइड जली हुई नहीं है उस पे ही उसकी माँ उसे किस करती है. क्वेश्चन सेवन लेके चलते हैं. व्हाट डिड द वुमन एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप पे एक महिला, उसके बारे में, डेरी के चेहरे के बारे में आपस में किसी दूसरी महिला से बात कर रही थी और डेरी ने सुन लिया था उसे. तो उस महिला ने उसे क्या कहा था? दैट्स ए फेस ओनली ए मदर कुड लव. ये तो वो चेहरा है जिसको एक माँ ही प्यार कर सकती है. दैट्स ए फेस ओनली ए फादर कुड लव. ये तो वो चेहरा है जिसे एक फादर ही लव कर सकता है. दैट्स ए फेस ओनली ए सिस्टर कुड लव. ये तो वो चेहरा है जिसको एक बहन ही प्यार कर सकती है. दैट्स ए फेस ओनली एन आंट कुड लव. चाची या मासी ही प्यार कर सकती है. और ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. दैट्स द फेस ओनली ए मदर कुड लव. कि ये तो वो चेहरा है जिसको एक माँ ही प्यार कर सकती है. तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट. व्हेन बीज बज, व्हाट डज बजिंग मीन्स फॉर लैम्ब. जब बीज, क्या होती है, मधुमक्खियां भिन भिन आती हैं, बजिंग साउंड इनकी होती है, भिन बनाने को बजिंग कहते हैं. तो मिस्टर लैम को क्या लगता है, वो बजिंग साउंड उसे क्या लगती है? तो
रोरिंग गर्जन लगती है जैसे ऊंचा ऊंचा कोई शोर कर रहा हो, बादल गरज रहे हो, या शाउटिंग लगती है, चिल्लाना लगता है, या वीपिंग रोना लगता है, या सिंगिंग? एक्चुअली उसे सिंगिंग ही लगता है। नाइन्थ क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्टिकुलर पर्पस डज मिस लैम कीप द विंडोज ऑफ हिज हाउस ओपन? किस विशेष पर्पस से, उद्देश्य से मिस लैम अपने घर की विंडोज को खोल के रखता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। टू सी द पीपल कमिंग, लोगों को आते हुए देखने के लिए, टू हियर द विंड ब्लोविंग, हवाओं को चलते हुए देखने के लिए, या टू शाउट एट द इंट्रूडर्स, या जो बाग में इंट्रूड करते हैं, बिना परमिशन के घुसते हैं, उनको उन पे चिल्लाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, या टू सी द ब्यूटीज ऑफ नेचर आउटसाइड, बाहर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के लिए? तो अब तक आपने सोच लिया होगा आंसर इसका, एंड यू मस्ट नो इट वाज टू हियर द विंड ब्लोविंग। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, हवा के चलने से जो आवाज पैदा होती है उसको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। टेंथ, फिल इन द ब्लैंक गिवन इन द लाइन बिलो, नीचे जो लाइन है, टेक्स्ट की लाइन है, इसमें एक ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक फ्रेज को भरना है कोई भी। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश हो रही होती है, व्हाट डज मिस्टर लैम लाइक, मिस्टर लैम को क्या पसंद आता है? उसको बारिश को छत पे पड़ते हुए, गिरते हुए सुन के अच्छा लगता है, या टू बेथ इन द रेन, या बारिश में नहाना उसे अच्छा लगता है, या टू कलेक्ट वाटर ऑफ द रेन, बारिश का पानी किसी बर्तन में कलेक्ट करना वो अच्छा लगता है, या टू कम आउट एंड सी द रेन फॉलिंग, घर से बाहर निकल के बारिश को गिरते हुए देखना अच्छा लगता है? और करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली ही लाइक्स टू हियर इट ऑन द रूफ, छत पे बारिश का गिरना ही उसको अच्छा लगता है। सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट चॉइस। 11th क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर लैम डाई, मिस्टर लैम की मृत्यु कैसे होती है? लैडर से गिर के, किसी सीढ़ी से गिर के, या बाई स्वॉलोइंग सम पॉइजनस थिंग, किसी जहरीली वस्तु को उसने निगल लिया था इसकी वजह से उसकी डेथ हुई, या बाई हिज नेचुरल डेथ, उसकी प्राकृतिक मौत हुई, या नन ऑफ द अबव? चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। आप अब तक किसी कंक्लूजन पे अगर नहीं पहुंचे तो मैं बता देता हूँ। ही डाइड बाई फॉलिंग ऑफ ए लैडर, लैडर से गिर के उसकी मौत हुई थी। जब डैरी अपने घर गया था तो उसके पश्चात डैरी को वापस आना था, तो लैडर लेके कुछ एप्पल्स को तोड़ने के लिए चला था, तो इस वजह से उसकी डेथ हुई, कहीं सीढ़ी उसकी फिसल गई होगी। क्वेश्चन 12 थी, व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम के गार्डन में और डेरी के होम में कितनी दूरी थी? दूरी बतानी है आपको, डिस्टेंस बतानी है। 2 मील की थी या 3 मील की थी? माइल्स क्या होते हैं, ये डिस्टेंस होती है, किलोमीटर से अधिक होती है इनमें, और 4 माइल्स या 5 माइल्स आपको बताना होगा। एक्चुअली इट वाज 3 माइल्स, 3 माइल्स की डिस्टेंस इनमें थी, डेरी के होम में और लैम्स के गार्डन में। क्वेश्चन 13, व्हाट्स द एक्चुअल नेम ऑफ द बॉय डेरी, लड़के डेरी का वास्तविक नाम आपको बताना है। शेरी था, जेली था, या डेरिक था, या हैरियट? And you must know his name was Derek. Question 14th, how many friends, कितने मित्र does Mr. Lamb claim to have? Mr. Lamb दावा करता है कि उसके इतने मित्र हैं, आपको बताना है। Hundreds का दावा करता है, सैकड़ों, या 100 गिनती में बताता है कि उसके 100 मित्र हैं, या 200 मित्र हैं, या 400 मित्र हैं। Actually he says that he has hundreds of फ्रेंड्स, उसके सैकड़ों मित्र है, कोई गिनती नहीं। 15th क्वेश्चन, इन डेरीज ओपिनियन, डेरी की राय में, मिस्टर लैम सेज डैश, यहाँ पे खाली जगह आपको भरनी है, थिंग्स, कि मिस्टर लैम कुछ बातें करता है, किस तरह की बातें हैं, स्पेशल खास बातें हैं, या वाइज बातें हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण बातें हैं, पिक्यूलियर कुछ अजीब सी बातें करता है, या कॉमन आम जो बातें होती हैं लोग करते हैं वैसी बातें करता है? और करेक्ट ऑप्शन इज पिक्यूलियर, ही टॉक्स पिक्यूलियर अबाउट पिक्यूलियर थिंग्स। 16th क्वेश्चन, डेरी अवॉइड्स मीटिंग पीपल बिकॉज,
लोगों से मिलना अवॉइड करता है, कारण बताना है आपको। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। दे आर क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू हिम, जो लोग आसपास घूमते हैं वो उसके अनुसार अपराधी किस्म के हैं। या दे टीज हिम बाय कॉलिंग फनी नेम्स, वो उसे फनी नेम ले लेके पुकारते हैं और उसे तंग करते हैं। टीज करना क्या होता है, तंग करना। या फिर दे ऑलवेज क्वारल विद हिम, या फिर वो उससे हमेशा झगड़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज दे आर अफ्रेड ऑफ हिम, वो उससे डरते हैं। डैरी के अंदर आप जानते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो सोचता है कि लोग उसको देख के ही डर जाते हैं, उसके चेहरे को देख के डरते हैं। दैट्स व्हाई ही अवॉइड्स मीटिंग पीपल बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ हिम। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट चॉइस। मिस्टर लैम सेज दैट ही ऑलवेज कीप्स द मेन गेट ऑफ हिज गार्डन ओपन। मिस्टर लैम कहता है कि वो अपने गार्डन का जो मेन गेट है सदैव खुला रखता है। कारण बताना है, फॉर पीपल टू कम इन, कि लोग उसमें बेझिझक अंदर आ जाए। या फॉर द विंड्स टू कम इन, हवाओं को बेझिझक अंदर आने के लिए। या फॉर द डॉग्स टू कम इन, ताकि कुत्ते भी उसके बाग में आ जाएं, या पक्षी भी बेझिझक उसके बाग में आ जाएं। He keeps the door of his garden open for people to come in, लोगों के लिए वो अपने गार्डन के मेन गेट को खोल के रखता है। क्वेश्चन 18, हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन। डेरी नाम का लड़का गार्डन में किस तरह से प्रवेश करता है। ऑप्शंस आर एंटरिंग बाय द मेन गेट से सीधा आता है अंदर। एंटरिंग बाय क्लाइंबिंग अप द वॉल, या फिर दीवार से कूद कर अंदर आता है। एंटरिंग बाय ब्रेकिंग द वॉल, या दीवार को तोड़ के अंदर आता है। या एंटरिंग बाय डिगिंग ए टनल, या दीवार के नीचे वो एक सुरंग खोद लेता है तब अंदर आता है। और आप जानते ही हैं कि ही एंटर्ड बाय क्लाइंबिंग अप द वॉल, जो बाहरी दीवार थी, चार दीवारी थी, उसको क्लाइंब करके वो अंदर आता है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 19 इज, डेरी सेज दैट समथिंग एट अवे हिज फेस, व्हाट इज दैट थिंग। डेरी कहता है कि किसी वस्तु ने, किसी चीज ने उसके चेहरे को खा लिया है। वो चीज क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एसिड ने खाया, उसका चेहरा खराब कर दिया, या कीड़ियों ने, जो चींटियां होती हैं, उन्होंने उसका चेहरे को खा लिया है, खराब कर दिया। कॉकरोचेज ने उसके चेहरे को खराब किया, या फिर जो भिड़ने होती हैं, वैस्प ने उसके चेहरे को खराब किया। एक्चुअली इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय एसिड। क्वेश्चन 20th, मिस्टर लैम कॉल्स ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट को मिस्टर लैम क्या कहता है? रिलेटिव, आपस में रिलेटिव हैं ये। नेबर है, नेबर कहता है, पड़ोसी हैं, या वाइल्ड है, जंगली हैं, या डोमेस्टिक, घरेलू हैं। He calls them relative. Question 21st is fill in the blanks. Why is one green plant called dash and another a flower? Green plant को आपको दिए गए fruit कहते हैं, या green grass कहते हैं, या weed कहते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, खरपतवार जिसे कहते हैं, या झाड़ी कहते हैं, दूसरे को फूल कहते हैं। तो चार ऑप्शन में से ये जो ब्लैंक है, एक इसमें आपको भरना है। फ्रूट नहीं है, ग्रीन ग्रास भी नहीं है, बुश भी नहीं है, दिस इज वीड, खरपतवार कहते हैं, दूसरे फ्लावर होते हैं। क्वेश्चन 22nd इज, व्हाट डज मिस्टर लैम थिंक अबाउट द नेम गिवन टू हिम बाय द चिल्ड्रन। बच्चों ने उसे जो नाम दिया है, फनी सा नाम है, तो उसको क्या सोचता है मिस्टर लैम, अपने नाम के बारे में क्या सोचता है? इट वाज फनी, वो फनी था। इट डिडंट सूट हिम, उसे सूट नहीं करता। इट सूटेड हिम, वह उसे सूट करता। इट वाज इट नन ऑफ द अबव, कर लो इसको आप, ये नन ऑफ द अबव मांग लो इसको, इनमें से ऊपर वालों में से कुछ भी नहीं है। इट सूटेड हिम, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 23rd इज, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम वन मस्ट डैश, इसमें आपको भरना है मिस्टर लैम के अनुसार कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करनी चाहिए। एक्सपेक्ट मींस उम्मीद करना, या नॉट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, उन्हें दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। या लिव वंस लाइफ फुली, अपने जीवन को पूर्णतः जीना चाहिए। या नॉट पोक वंस नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, या दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। टू पोक वंस नोज इनटू अदर्स अफेयर का मतलब दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाना। एक्चुअली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, नॉट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम अदर्स,
दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. क्वेश्चन 24th इज डेरी एंटर्ड मिस्टर लैम्स गार्डन थिंकिंग इट वॉज. मिस्टर लैम के गार्डन में डेरी इस वजह से एंटर हुआ ये सोचते हुए कि इट वॉज एम्प्टी, वो खाली था. इट वॉज फुल ऑफ राइप फ्रूट्स, वह पके हुए फलों से भरा हुआ था. या इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, वह हरे भरे घास से भरा हुआ था. इट वॉज फुल ऑफ राइप एप्पल्स, वह पके हुए एप्पल से भरा हुआ था. एक्चुअली ही थॉट इट वॉज एम्प्टी, उसने सोचा कि बाग में कोई नहीं होगा. एम्प्टी का मतलब यहाँ पे मनुष्य से है कि वहां पे कोई व्यक्ति नहीं होगा. क्वेश्चन 25th लेके चलते हैं. व्हेन मिस्टर लैम मेंशन्ड टू डेरी, जब मिस्टर लैम ने डेरी को ये बात बताई दैट इट वॉज ही हु एंटर्ड हिज गार्डन बाई क्लाइंबिंग द वॉल, कि वह ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके बाग में दीवार फांद के आया. हाउ डिड डेरी रिएक्ट, तो डेरी ने कैसे प्रतिक्रिया दिखाई अपनी. खुश होके हैप्पीली, मतलब खुश हो गया, प्रसन्न हो गया अपनी प्रशंसा पाके वो, या उदास हो गया, या गुस्से में उसने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, या उसने कुछ नहीं कहा. एक्चुअली ही रिएक्टेड एंग्रीली, उसने गुस्से में अपना रिएक्शन दिखाया था. क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन मिस्टर लैम वेलकम्स डेरी इन हिज गार्डन बाय सेइंग माइंड द एप्पल्स, व्हाट डज डेरी फील. जब डेरी चुपचाप गार्डन में आ रहा होता है तो मिस्टर लैम ने उसे देख लिया था, तो दूर से ही मिस्टर लैम डेरी को कहता है कि ध्यान से आना, जो घास में क्रैब एप्पल्स हैं उन पे कहीं फिसल ना जाना, उन पे पैर आ गया तो फिसल जाओगे कुछ. डेरी का रिएक्शन जॉयफुल था, सैड था, सरप्राइज था, या नन ऑफ द अबव था. एक्चुअली ही वाज सरप्राइज्ड. तो डेरी सरप्राइज हो गया था कि उसने सोचा कि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं होगा, और जब उसने मिस्टर लैम की आवाज सुनी ही वाज सरप्राइज्ड. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 27th, व्हाई डिड डेरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन. मिस्टर लैम के बाग में डेरी ने प्रवेश क्यों किया, क्यों एंटर किया. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश, आउट ऑफ जेलसी, ईर्ष्यावश, या टू ईट एप्पल्स, एप्पल्स को खाने के लिए, या कुछ मिस्टर लैम के घर से कुछ चुराने के लिए. एक्चुअली ही एंटर्ड मिस्टर लैम्स गार्डन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन 28th, व्हाट टाइप ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स डिड डेरी सफर फ्रॉम. डेरी में एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक कॉम्प्लेक्स था, उसका नाम देना आपको. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, अपने आप को सुपीरियर मानता था ये कॉम्प्लेक्स, या अपने आप को हीन मानता था, तुच्छ मानता था ये कॉम्प्लेक्स था, या फिर हैमलेट कॉम्प्लेक्स था, ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है. ईडीपस कॉम्प्लेक्स, ये मनोवैज्ञानिक टर्म्स है कॉम्प्लेक्स की. एक्चुअली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें था. क्वेश्चन 29th, व्हाई डिड डेरी लाइक टू रिमेन अलोन. डेरी अकेला रहना पसंद करता था, कारण बताना कि ऐसा क्यों करता था वो. ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ, खुद से ही डरता था. यही लाइक लोनलीनेस, उसे अकेलापन पसंद था. या पीपल वर अफ्रेड टू सी द बर्न साइड ऑफ हिज फेस, लोग उसके चेहरे की जली हुई साइड को देख के डर जाते थे. नॉट एक्सप्लेन्ड इन द टेक्स्ट, ये बात टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं की गई. एंड यू मस्ट नो पीपल वर अफ्रेड टू सी द बर्न साइड ऑफ हिज फेस. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन 30th इज, व्हाई डिड डेरी कंटिन्यू टॉकिंग विद मिस्टर लैम. डेरी शुरू में मिस्टर लैम से बातें नहीं करना चाहता था, परंतु वो लगातार उससे बातें करता रहता है. कारण क्या था, बिकॉज ही वॉज अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडली. कि ही कौन है यहाँ पे, मिस्टर लैम. मिस्टर लैम अंडरस्टैंडिंग था, उसकी बात को समझता था, उसकी स्थिति को समझता था, और दोस्ताना तरीके से बात कर रहा था. या बिकॉज ही प्रोमिस्ड हिम टू ऑफर हिम सम मनी, या फिर मिस्टर लैम ने उसे लालच दिया कि अगर वो उससे बातें करेगा तो कुछ पैसे उसे ऑफर करेगा. बिकॉज ही वॉज ए वेरी गुड कॉमेडियन, या फिर वो उसे चुटकुले सुना रहा था, बहुत अच्छा कॉमेडियन था मिस्टर लैम, इस वजह से डेरी उसकी बातें सुनता गया. यही एंटरटेन्ड हिम बाय सिंगिंग ए सॉन्ग, या मिस्टर लैम ने गीत गाने शुरू किए और उसे एंटरटेन करने लगा शायद इस वजह से. नो, एक्चुअली मिस्टर लैम वॉज अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडली. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. 31st क्वेश्चन लेके चलते, व्हाट वॉज मिस्टर लैम्स, यहाँ लैम है, मिस्टर लैम आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ.
इस्लाम की जो आउटलुक थी जीवन के प्रति, उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह की थी। नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, अग्रेसिव, गुस्सैल थी, गुस्से में जल्दी आ जाता था, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन, वो पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति था। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का हम लेके चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड डिड डेरी शो इन द बिगनिंग। डेरी शुरुआत में किस तरह का एटीट्यूड दिखाता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, एग्रेसिव या नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। एक्चुअली ही शोज नेगेटिव एटीट्यूड इन द वेरी बिगनिंग, शुरू में वो नेगेटिव होता है, धीरे धीरे मिस्टर लैम्ब उसको समझा समझा के पॉजिटिव कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दिस मैनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द फेस ऑफ इट आर ओवर नाउ। आई शैल कम विद अनदर वीडियो आइदर ऑन क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन सो, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।